हम सभी को पता है स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है जो इनोवा टाटा सफारी जैसी प्रीमियम गाड़ी को टक्कर देगी, जिसकी प्राइस लगभग 15 लाख से 22 लाख होगी। पर ये कब लॉन्च होगी ये डेट महिंद्रा को भी नहीं पता, क्योंकि सेमीकंडक्टर के वजह से बहुत सारी कंपनियां डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी चल रही है भैया शॉर्टेज। तो कंपनी स्कॉर्पियो जैसे डिमांडिंग एसयूवी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करके अपना नाम क्यों खराब करेगी? सेमीकंडक्टर चिप के वजह से डिमांड फुलफिल ही नहीं हो सकता, वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आखिर में लोग दूसरी गाड़ी की ओर जाएंगे जिसका वेटिंग पीरियड कम है, इससे सेल्स पे भी असर पड़ेगा। महिंद्रा इस बात को समझ रही है, इसलिए करंट जनरेशन को ही कंपनी फेसलिफ्ट देने वाली है जो स्टॉक में ऑलरेडी है। ये कोई अफवाह नहीं है, करंट जनरेशन की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कंपनी ग्रिल, लोगो, बम्पर के साथ साथ हाफ डोर को भी रीडिज़ाइन करने वाली है। प्राइस लगभग सेम रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बेस वेरिएंट और S11 वेरिएंट को टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये सही रहेगा। स्कॉर्पियो प्राइवेट के साथ साथ कमर्शियल में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो कमर्शियल यूज़ में लग्जरी फीचर्स का क्या काम? ज़्यादा फीचर्स मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस, तो करंट जनरेशन को भी कंटिन्यू रखा जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन को भी लॉन्च किया जाएगा लग्जरी फीचर्स के साथ। बोलेरो न्यू और बोलेरो की तरह ही स्कॉर्पियो में भी दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लो मेंटेनेंस स्कॉर्पियो जो अभी की जनरेशन वाली स्कॉर्पियो रहेगी, या हाई मेंटेनेंस स्कॉर्पियो जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी। चॉइस इज योर्स। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।